हेलो अमीशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो अमीशा। मैं सब बाहर हूँ, तुम यहाँ आ सकते हो क्या? इधर ही करता हूँ। मैं एड्रेस SMS करती हूँ। जरूरत नहीं। अरे बेटा अचानक यहाँ आपसे मिलने का दिल हुआ तो आ गई। अंदर बैठो ना। तुम मेरे पास बैठो। हाय, बात ये है आंटी, आप लोग मेरे घर आए मुझे देखने के लिए और मैं आपको पसंद भी आ गई और आपने कहा कि मैं आपके घर की बहू बनूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी आंटी। कार्तिक इज आल्सो गुड, स्मार्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, सब कुछ है, पर बचपन से वो क्या है ना कि मेरा एक सपना रहा आंटी कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। उसकी बिल्कुल ऐसी दाढ़ी होनी चाहिए और शर्ट का बटन खुला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आंटी, और दिखने में भी ना बहुत सिंपल सा, कोई हीरो टाइप नहीं चाहिए, और बाहर की पर्सनालिटी कड़क पर अंदर से बिल्कुल नरम, वो जैसे कटहल का फल होता है ना जिसके बाहर से कांटे निकले होते हैं पर अंदर से बहुत ही नरम और मीठा होता है। आप समझ रही है ना? मैं समझ गई कि तुम्हें कोई लुक्खा चाहिए। अगर ऐसा है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? करेक्ट, तुम तो समझ गई, लेकिन आंटी को शायद समझ में समझ गई बेटा, अच्छी तरह समझ गई। यही मेरा जीवन साथी है। क्या बात कर रही है? मुझे इसी के साथ जिंदगी बितानी है। आज तो तेरे वो चौपाटी की पानी पूरी खिलाने लेके जाऊंगा, चल। क्या बोलती, चलेगी ना मेरे साथ इस तरह? सोचता हूँ इसको अच्छा सा तोहफा देके सरप्राइज कर डालता हूँ। देख रहा, बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है, बदले आप, यानी कि रिटर्न गिफ्ट। कैसे हो सुंदर? तुमने कहा था कोई जरूरी बात करनी है, बड़े बेटे के साथ आए हो, छोटा बेटा कहाँ है? बात यह है कि मेरे छोटे बेटे को दुबई में नौकरी मिल गई और वो बिना बताए चला गया। क्या बकवास कर रहे हो? अब शायद भगवान को भी यही मंजूर है कि पहले बड़े बेटे की शादी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना दामाद बना लो। ये बात ये भी नहीं जानता, सोचा तुमसे पूछकर बताऊंगा। गायत्री के पापा जरा इधर आइए। क्या हुआ बेटी? देखिए पापा, आपके फ्रेंड की शक्ल देखकर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई थी। हम दोनों पढ़े लिखे हैं इसलिए मैंने हाँ कहा था। अगर आपको मना करने से डर लग रहा है तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं बेटी, सुंदर बात ये कि कोई बात नहीं, मेरे को गायत्री से बात करना है। हाय स्केच, तुम ठीक हो ना? हाँ ओके हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। मेरा बचपन से सपना था कि जिससे मेरी शादी हो वो कम से कम IT कंपनी में जॉब करता हो, हमेशा क्लीन शेव रहता हो, उसके पास अपनी कार हो और वो बच्चों को कार से ही स्कूल लेकर जाए। अपने ड्रीम्स के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हें एक खूबसूरत और अच्छी लड़की। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो खुद ही सोच रहा था कि तेरे को कैसे मना करूं। भगवान को टेंशन देने की जरूरत नहीं, भगवान ने ही मेरा राब्ता कराती है। तेरे को उसका फोटो दिखाता हूँ, तेरे से ज्यादा बम्बा टेगी नहीं। ये देख, कुछ जलने की वो आ रही है। तेरी शक्ल देख के पता चलता कि तेरे को मिर्ची लगी। हेलो, अरे बोला था बाबा 2 बजे डिलीवरी होगी। ड्राइवर अभी तक आया नहीं। ठीक है, मैं उसे भेजता हूं। चुरन! Yes, sir. What happened? बाहर एक ब्लैक फोर्ड खड़ी है 777, उसकी डिलीवरी करनी है। नो प्रॉब्लम सेठ, बाटला आ जाए फिर दोनों ड्रॉप कर देंगे। अरे उसको तड़ातड़ी चाहिए बाबा। अपन अकेले जाता है तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। अकेले जाएगा तो तेरे को ज्यादा कमीशन मिलेगा। हंसते हुए जा। कमीशन और सब्सिडी के लिए तो इंडियन लोग जीते। ठीक है सेठ, अकेले ही जाता है। ए बगर, कम आउट मैन, रिक्शा का औकात नहीं, गाड़ी में बोर 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 करता है। कम ऑन गेट आउट। स्टीयरिंग पर थूक थूक कर गंदा कर दिया, थूकिया। गाड़ी गैरेज से निकल गई है। Yeah.
भैया बोल। चार में से एक लुढ़क गया। सब चेक कर लिया ना सर? कैसा लगा कवि? उस क्रेन से कंटेनर गाड़ी के ऊपर गिर गया और उस बेचारे लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऑपरेटर कहाँ है? वो डर के मारे भाग गया सर। वो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हो? मुझे उसकी फुटेज चाहिए। अबे क्या छुपी है रो रहा बे? एक लकड़ी और चाहिए। अरे अरे मामा आ गए। अरे प्लास्टिक देखना किधर। बिजली कड़क रही है स्केच। बिजली और बारिश से अपना सोल कांपने लगता है। तभी तो मम्मा बारिश के चार महीने अपने को घर से निकलने नहीं देता था। ए स्केच मैन तेरे भरोसे चल रहा है अपन। स्केच माय फ्रेंड तेरे झूठे से नशा डबल हो जाता है। कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। दुखे मरे जाच्छे। हेलो। अरे कहां हो तुम लोग? ये सब काम कौन करेगा? चूरन के मौत का गम हमको भी है लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? एक काम करो तुम लोग आकर गैराज में मिलो। मैं स्केच से बात करता हूँ। दो तीन दिन में हम लोग आते हैं। तुमसे मिलने के लिए वैशाली बार बार गैराज आ रही है। आकर मिलो उसे। ठीक है वैशाली को मैं मिलता हूँ। जाके बनिए की दुकान से कॉफी का पैकेट लेकर आ। लड़का दिखने में एकदम अमूल पालेकर जैसा है। जाओ उसके लिए जल्दी कॉफी बना। क्या यार रमेशा, लगता है तेरी माँ को बॉलीवुड एक्टर से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। आज भी मेरी माँ मेरे पापा को कमल हसन समझकर जिंदगी बिता रही है। और बेटी इन लोगों को पानी दो। मैं तैयार हूँ माँ। लड़के ने हाँ कर दी है। लड़की के भाग खुल गए। कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। अच्छा मैं चल। कहाँ जा रही हो बहू? मेरा बॉयफ्रेंड आया है, मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ। आप लोग नाश्ता करके जाना। मैं तीन घंटे में आ जाऊंगी। चलो जी। अच्छा हुआ बच गया। अमीषा अमीषा बेटा कहाँ जा रही हो? आप लोग रुकिए ना, वो अभी आ जाएगी। मुझे नहीं पता। मम्मा मम्मा दीदी आ गई। कौन है ये लड़का? अमीषा इसके साथ कहाँ गई थी? पहले इसे अंदर बुलाओ। चल अब अंदर चल। सर हेलो एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट। आप इसके बाप हो, इसकी शादी करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसकी शादी की तैयारी में जितने पैसे खर्च करोगे वेस्ट हो जाएंगे। बारात के आने के एन 5 मिनट पहले मैं इसे उठा के लेके जाऊंगा। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा इसलिए करके ही दिखाऊंगा। मेरी बेटी की शादी किससे होगी इसका फैसला मैं करूंगा। और हमारी बिरादरी भी अलग है। बिरादरी और समाज को आप संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। कभी वो सीसीटीवी फुटेज मिला या नहीं? सर जिनके घर में सीसीटीवी लगा है वो छुट्टियां मनाने के लिए लखनऊ गए हैं और उन्हें वापस आने में 10 दिन और लगेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? उस दुकान के पास गाड़ी रोको। ओके सर। ए, क्या चल रहा है? एक दोस्त की शादी। किसकी शादी है? कहाँ से आए हो? बैंगलोर से। नाम क्या है? वो कुछ बोल रहा है, तू कुछ बोल रहा है? मैं मैंगलोर से हूँ, ये बैंगलोर से है साहब। और आपको पता होगा यार राम भरोसे लॉज है, उसमें रुके ले हम लोग। इधर खड़े मत रहो, निकलो यहाँ से। ओके सर। बोल मारी जमकुड़ी। अच्छा सुनो, खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल या चावल दाल? तू बना, डिश का नामकरण मैं कर दूंगा। दाल भात ही बनाती हूँ, आ जा। गांडी रोज दाल भात बनावे। केमचो स्केच भाई, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तेरे पास स्कूटी उटी है क्या?
नहीं नहीं मेरे पास टूटी फूटी कुछ नहीं है। तेरे ससुर से मिलके आ रहा हूँ बे। तो सब उगल दिया, बुढ़े की बेटी को तलाक देना पड़ेगा। ले अमीशा, तेरी मनपसंद स्कूटी। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? इतनी बेस्ट के कभी अकेला नहीं छोड़ी। चोली दामन का साथ है तुम लोग का। सुना, मैं सब समझती हूँ। अरे बाय बाय, मिलते हैं। सॉरी, तुमने 10:40 बोला था, मैं 5 मिनट पहले ही पहुँच गया। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरी फेवरेट स्कूटी जो लेकर आए हो। अच्छा, वो स्कूटी? मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज गर्मी बहुत है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे वो स्कूटी खड़ी है ना, फुल डे तुम ही चलाना। कंजूस लीचड़। मुझे पता था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट घड़ी लाई हूँ। मोबाइल में रहती है ना, फिर घड़ी काहे को? ये घड़ी नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। जब मुझे मिस करोगे ना, तभी तुम इसे अपनी कलाई पर बांधना। बांधूंगा। और इसकी एक स्पेशलिटी भी है। क्या? इसको पहनने से अच्छा वक्त आता। तुम भी ना। कैसी लगी? क्या यार, बंद घड़ी तोहफे में देती हो। अरे चलने लगी। अरे बंद हो गई फिर से, खराब है। ये घड़ी ऑटोमेटिक है। ये इंसान की नब्ज से ही चलती है। क्या बात है, बहुत ढासू चीज है। तुम्हें पसंद आई? पसंद आई। और तू मेरे को पसंद करती है कि नहीं? अपनी जान से भी ज्यादा। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम बहुत क्यूट हो, पर थोड़े से कंजूस भी हो। मेरे जैसे बदमाश लड़के को तुम जैसी नेक लड़की मिल गई, ऐसा कैसे हो गया? रुको 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 रुको, क्या हुआ? चलो गॉड विलेज हस, तेरा हैंडल तो पकड़ने दे। ये रहा तुम्हारा ग्लास। अच्छा, अरे क्या बात यार, उसको देख तो। तब भगवान से मेरे कुछ मांग रही है, सब तू ही मांग लेगी, दूसरों के लिए भी छोड़। सीख गए, सामने ठोले खड़े हैं, संभाल गए। आगे मामू लोग खड़े। लाइसेंस है ना तुम्हारे पास? मेरे पास लाइसेंस है। तुम्हारे पास गाड़ी के पेपर्स हैं? हाँ, डिक्की में रहेंगे ना। ए रुको 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 रुको, सर सर सर, ओ साहब क्या कर रहे हो तुम? चलो उधर साहब के पास चलो। तुम रुको, मैं देखता हूँ। ऐसे कैसे चाबी निकाल रहे हो, कोई गिर गया तो? जब गिरेगा तब देख लेंगे। पेपर लेकर आ। चाबी तो दो। सोना नहीं क्या? पेपर लेकर आ। चाबी देंगे तभी डिक्की खोलूंगा ना। चाबी ले और जल्दी लेकर आ। जरा 2 मिनट।